Assalamu alaikum, welcome to my Mike Block family. मैं हूँ आपका सहेली और होस्ट मिस निकाब. आज मैं बात करने जा रही हूँ उसी व्यक्ति पर जिसको हमें तलाश है. और आज हम फिर स्पिरिचुअली रोस्ट करने जा रहे हैं. तो मैं पहले ही जानती थी अल मकसूद याकूब किसे के वीडियो बनाई है और उसी में वीडियो को इंस्पायर होगा हमारा चैनल प्यारा चैनल. मेरी चैनल तो नहीं है, मैं जिस चैनल पे सब्सक्राइब कर रही थी उस चैनल वी आर जैकब भी वैसे ही लेकिन अलग वीडियो बनाए हैं. है बातें लफ्ज भले ही अलग हो लेकिन बातें वही हैं. और वो है आज के जो और वी आर वॉचर्स चैनल ने जो वीडियो बनाई थी वो है कल जो वीडियो बनाई थी वो है आई न्यूज 2019 नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट डैश डैश डैश. और मैं अभी एक नई सीरीज चालू कर रही हूँ जो है वीडियो सीरीज हाँ जो है रोस्टिंग बाय ऑब्जर्विंग वीडियोस. तो हम यहाँ शुरू करते हैं रोस्टिंग भी हम मैं आपको दिखाती हूँ ये वी आर वॉचर्स जो वीडियो बना आई थी वो क्या थी. तो अल्मास जैकब माइंड में मत लेना क्योंकि हम मैं आपकी वीडियो यूज कर रही हूँ ताकि मेरी भी कुछ काम आ जाए. तो कृपया कॉपीराइट क्लेम ना करें ठीक है. तो चलिए देखते हैं वी आर वॉचर्स ने क्या वीडियो बनाई थी. वेलकम टू वी आर वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं नाउ रोबोट्स कैन रिपेयर इट्सेल्फ. यानी रोबोट्स अपनी मरम्मत खुद कर सकेंगे, अपने आप को खुद से ठीक कर सकेंगे. सबसे पहले तो तमाम वॉचर्स को मेरी तरफ से सलाम. 16 फरवरी 2019 को एक्सप्रेस न्यूज ने यह खबर छापी, एआई ब्रेक थ्रू, साइंटिस्ट बिल्ड सेल्फ अवेयर रोबोट एबल टू रिपेयर इटसेल्फ. यानी ऐसा रोबोट बना लिया गया है जो खुद को अपनी रिपेयर खुद कर सकता है, खुद को ठीक कर सकता है, अपनी मरम्मत खुद से कर सकता है. और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ब्रेक थ्रू माना जा रहा है जो कि हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है. एक ऐसा रोबोट बना लिया गया है जो कि अपनी मर्जी से काम करता है, उसको किसी प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं है जो कि पीछे से उसको कंट्रोल करे या उसके अंदर इमोशंस या ऐसी चीजें डाले. एक सेल्फ अवेयर यानी कि अपनी हस्ती रखने वाला या आप कह लीजिए कि अपनी मर्जी रखने वाला रोबोट जो है वो बना लिया गया है जो कि अपनी जो मरम्मत है वो खुद कर सकता है, अपने आप को खुद से चार्ज कर सकता है. यानी कि उसको अगर पता चले कि उसकी बैटरी लो हो गई है तो वो अपनी मर्जी से उसको रिचार्ज कर सकता है. और अगर वो चाहे, अगर उसको लगे कि उसका कोई पार्ट डैमेज हो गया है या रिपेयर होने वाला है, जैसे कि अक्सर आप मशीन में आपने देखा होगा कि ऐसे पुर्जे होते हैं जो जिनकी एज खत्म हो जाती है फिर जरूरत पड़ती है कि उसकी जगह नया पुर्जा लगाया जाए, तो वो अपने लिए वो पुर्जे जो हैं वो खुद से चूज कर सकता है, खुद से वहां से निकाल कर उनकी जगह नए पुर्जे लगा सकता है. ये काम दोस्तों कोलंबिया यूनिवर्सिटीज क्रिएटिव मशीन्स लैब ने किया है. और कोलंबिया के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोलंबिया के अंदर पहला लूसीफर का ओपन चर्च जो है वो बनाया गया था, जो कि मेरी पहली वीडियो थी जो कि काफी वायरल हुई थी, जिसमें मैंने बताया था कि शैतान के पुजारी किस तरह से उल्टी करते हैं, हर चीज को उल्टा करते हैं. और ये लोग लूसीफर के पुजारी हैं और लूसीफर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि शैतान का नाम है. अब मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कोई नौकरी बचेगी इंसानों के लिए, क्योंकि ये कोई नौकरी नहीं छोड़ने वाले हैं, हर किस्म की नौकरी जो है वो इंसानों से छीन लेंगे ये रोबोट. अगर आप देखिए तो सर्जरी कर रहे हैं रोबोट,
इसके अलावा टीचर्स जो से हैं वो रोबोट्स बना दिए गए हैं। उसके अलावा अगर आप देख लीजिए तो जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहाँ पर, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पर रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं। इसके अलावा सफाई करने वाले रोबोट्स, हर किस्म के रोबोट्स जो हैं वो बनाए जा चुके हैं। और अब पीछे क्या रह गया, मैं तो यही सिर्फ सोच रहा था कि नौकरी अगर कोई बचेगी इंसानों के लिए तो वो सिर्फ ये नौकरी होगी कि इंसान इन रोबोट्स को रिपेयर करेगा या इनको बनाने के लिए इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जितनी तेज़ी से इंसान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता जा रहा है और वो करता क्या जा रहा है कि इन जो मशीन है इनको सिखाता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जो कि एक क्लाउड के जरिए काम करता है, इंटरनेट के जरिए काम करता है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक क्लाउड जो है उसके अंदर जाकर सेव होती है और वहां से हर एक जो AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखने वाला रोबोट है उस तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। अगर लेट्स सपोज अगर एक रोबोट ने कोई चीज आज सीखी है तो वो सिर्फ उस रोबोट ने आज नहीं सीखी है, उसकी वजह से, उस क्लाउड की वजह से, उस इंटरनेट की वजह से जिससे वो जुड़ा हुआ है, तमाम बाकी सभी रोबोट्स ने वो चीज़ उसी पल में सीख ली है। इसका मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रो करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और जो रोबोट्स हैं वो नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं और ये इंसान खुद अपने साथ जुल्म करता जा रहा है। और मैं समझता था कि शायद ये जो एक नौकरी बचेगी इंसानों के लिए वो सिर्फ होगी रोबोटिक्स के अंदर, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि ये जो बनाने वाले रोबोट्स बनाने वाले ये चाहते हैं कि हम इंसान किसी और प्लेनेट पर या किसी और जगह स्पेस में जाकर हम शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि इस जमीन पर अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ रोबोट्स ही रहेंगे, रोबोट्स ही आपस में शादियां करेंगे, रोबोट्स ही अपने बच्चे खुद ही बना लेंगे, क्योंकि इनके पास सेल्फ अवेयर हो गए हैं, क्योंकि इनकी अपनी मर्जी है तो ये अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी बना लेंगे, खुद ही नौकरियां करेंगे और हर एक निजाम जो इंसान का था उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे फायदे के लिए है, तो मेरा सवाल इन टेक्नोलॉजी वालों से है जो बहुत प्रेज करते हैं टेक्नोलॉजी को, वाह जी वाह बड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नया फोन आ गया है, इसमें ये फीचर्स हैं वो हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या फायदा है इंसान को अगर एक रोबोट खुद को रिपेयर कर लेगा। ये तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा कि जैसे एक कोई गेम है उसकी जो आखिरी बला होती है जिसके साथ आपने लड़ना होता है तो वो खुद ही अपने आप को रिपेयर करना शुरू हो जाती है और उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। आप खुद एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप खुद सोचिए ज़रा कि अगर कल को मशीन्स जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाती हैं और हमारे खिलाफ कोई कैंपेन चला देती हैं या हमें मारना शुरू कर देती हैं, इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे जब वो खुद ही अपने आप को रिपेयर भी करना शुरू कर देंगी, कैसे हम इनको मारेंगे, कैसे हम इनसे बचेंगे। इसके अलावा आप मुझे बताइए कि क्या फ़ायदा है इंसान को अगर रोबोट्स जो हैं इंसानों की तरह इमोशंस रखें, अगर इंसानों की तरह खाएं पिएं, क्या फ़ायदा है इंसान को इससे। एक रोबोट के खाने से उसको क्या एनर्जी मिलेगी, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी उसको, हॉट डॉग खाने से, शराब पीने से या इस तरह की चीज़ें खाने पीने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मशीन है, वो उसका टेस्ट नहीं ले सकता, सब कुछ आर्टिफिशियल है, एक नकली चीज़ नकली होती है, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे बताएं ना कि क्या इंसान को फ़ायदा है अगर रोबोट्स जो हैं वो इंसान की तरह नज़र आएं, बिल्कुल इंसान की तरह हमें फ़र्क ही ना महसूस हो कि कौन इंसान है कौन रोबोट है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इवन के जो साइंटिस्ट हैं वो भी अब ये मानते हैं कि ये जो ट्रांसह्यूमन एजेंडा है या जो रोबोटिक्स है, ये जो नेक्स्ट लेवल पर जाता जा रहा है, जितनी तेज़ी से ये तरक्की होती जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, उनका मानना है कि अब इंसान जो है उसका खात्मा जो है वो आ चुका है, करीब हो चुका है। आपको क्या लगता है ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बनाई गई है? ये टेक्नोलॉजी आपके लिए हरगिज नहीं बनाई गई। ये टेक्नोलॉजी अगर आप नोट कीजिए दोस्तों तो ये हमेशा हमारे खिलाफ ही इजाद की जाती है। टेलीविज़न को अगर आप नोट कीजिए दोस्तों तो वो हमारे लिए बनाया गया ताकि हमारे ब्रेन को वॉश किया जा सके, हमारे अंदर वो तालीम डाली जा सके जो कि इबलीसी तालीम है, जो कि हमें खुदा से दूर करती है। हमें एंटरटेनमेंट, नाच, रंग जो है इसके पीछे लगा दिया गया ताकि हम खुदा को भूल जाएं और सिर्फ एंटरटेन होने के लिए जो है वो तरसते रहें हर वक्त। 24 घंटे हम लोग एंटरटेन होने के लिए तरसते रहते हैं। हमारे दरमियान अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जो कि सीरियस बात करता है या जो कि सही बात करता है, वो हमें पसंद नहीं आता, इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एंटरटेन होना पसंद करते हैं, मजाक करना पसंद करते हैं, एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना पसंद करते हैं, हम ऐसी चीज़ें ऐसे काम करना पसंद करते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता हमें। टेलीविज़न के बारे में एंटोन लवे कह चुका है कि ये ऑल्टर है, ये एक मज़बा है
जिसके ऊपर लोग अपने टाइम की कुर्बानी देते हैं, और वो चीज़ें जो ख्वाहिशात वो हमारे दिल में भरते हैं, हम वो सारी पूरी करने के पीछे लगे रहते हैं, और सारी ज़िंदगी हम एक रैट रेस में दौड़ते रहते हैं कि भाई फ़लाँ के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, फ़लाँ के पास घर है तो मेरे पास क्यों नहीं है, फ़लाँ के पास जो सी है इस तरह की घड़ी है, मेरे पास इतनी महंगी घड़ी क्यों नहीं है। तो ये सारी चीज़ है एक रैट रेस के पीछे हमें लगाने के लिए टेलीविज़न जो है वो ईजाद किया गया था। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखिए तो आपको क्या लगता है कि सेल फोन्स जो से हैं, ये स्मार्टफोन्स जो से हैं, वो हमारे लिए ईजाद किए गए ताकि हम आपस में कनेक्टेड रहें? फेसबुक हमारे लिए ईजाद किया गया? हरगिज़ नहीं। फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी हमारे लिए फ्री क्यों है, कभी आपने सोचा दोस्तों? इसके पीछे वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसके ऊपर, और इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि सारा डाटा जो है वो उनके पास जाए, जिस डाटे को वो बेचते हैं उससे वो पैसे कमाते हैं। बेसिकली वो हमें बेचते हैं, हमारी सोचों को बेचते हैं, हमारे ख्यालात को, हमारे नज़रियात जो हैं उनको बेचते हैं, और उनको पता चलता है कि हमारी सोचें क्या है, हम किस लेवल पर हैं, और फिर उसके मुताबिक वो प्लान करके हमारे खिलाफ जो है वो एजेंडा चलाते हैं कि किस तरह से न्यू एज जो है वो लेके आनी है। इसी तरह आप देखिए जीमेल और ये ईमेल जितने भी हैं ये सारे के सारे फ्री हैं। क्यों फ्री हैं, क्यों फ्री हैं? ये हर एक बात हमारी जो है, जो हम बिजनेस की चाहे कर रहे हों, चाहे हम पर्सनल बात कर रहे हों, उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ताकि इनको पता चलता रहे कि इंसान इस वक्त क्या सोच रहा है, उसकी सोचें क्या हैं, किस तरह से उनको तब्दील करना है और किस तरह से इंसान को जो है वो गिराना है। अब ये टेक्नोलॉजी आपके सामने है दोस्तों कि रोबोट्स इन्होंने बना दिए कि जी इंसान की मदद करेंगे, रोबोट्स इंसान की मदद करने के लिए हैं। तो किस किस्म की मदद हो रही है आपके सामने ही है कि अगर रोबोट्स अपने आप को खुद ही रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो किसी इंसान की जरूरत ही नहीं रही, रोबोट खुद ही अपने आप को अपना भाई बना लेगा या अपनी बहन बना लेगा, नया रोबोट बना लेगा खुद ही कल को, और फिर क्या करेगा कि खुद को रिपेयर भी करेगा, उसको भी रिपेयर कर सकेगा, एक दूसरे को रिपेयर कर सकेंगे। तो इसमें इंसान कहां गया? जब इंसान की किसी चीज में जरूरत ही नहीं रहेगी तो इंसान की वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यही इनकी ख्वाहिश है, और आप देख लीजिए कि ये किसी से नहीं पूछ रही हैं, और इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो सी हैं उस पर एडवांसमेंट करते जा रहे हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और जो न्यूज़ वाले हैं आप देख लीजिए जी, ब्रेक थ्रू हो गया जी, हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, के रोबोट अपनी रिपेयरमेंट जो है वो खुद कर सकता है, अपने आप को खुद ही रिपेयर कर सकता है, खुद ही अपनी मरम्मत कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसा खुदा के कलाम में लिखा है बिल्कुल वैसा ही होगा। कलाम मुकद्दस में दानियल नबी के बारे में लिखा है कि दानियल नबी की किताब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि दानियल नबी ने नबूकदनज़र जो बादशाह है उसके ख्वाब को भी बताया था, जो कि ख्वाब वो भूल चुका था। उस ख्वाब को ना सिर्फ उसने बताया बल्कि उसकी ताबीर भी बताई थी, और उसके अंदर जो है वो सोने का सर, ठीक है, चांदी, पीतल, और उसके बाद जो लोहे की टांगे और जो उसके पांव थे उस बुत के, वो लोहे और मट्टी के थे, क्योंकि लोहा और मट्टी आपस में मिक्स नहीं हो सकता है। इसी तरह किंगडम जो है या जो बादशाहत है वो डिवाइडेड रहेगी, एंटी क्राइस्ट की बादशाहत जो है वो मशीन और आदमियों में डिवाइडेड रहेगी, यानी कि मशीन जो है वो कोशिश करेगी इंसानों के ऊपर गलबा पाने की, और जो इंसान है वो मशीनों के ऊपर गलबा पाने की कोशिश करेंगे, वापस अपनी जो जगह है उसको लेके आना चाहेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, और यही मुखालफ मसीह जो है उसका दौर होगा दोस्तों। ये मशीन्स चाहे जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो जाएं, ये मशीन्स चाहे खुद को रिपेयर कर लें, चाहे वो आखिरी लेवल वाली जो बला होती है वीडियो गेम के अंदर उस तरह की बन जाएं, फिर भी ये इंसान के जहन तक नहीं पहुंच सकते, फिर भी ये उस तरह की अवेयरनेस, उस तरह की कॉन्शियसनेस नहीं रख सकते जैसी इंसान के अंदर है, क्योंकि खुदा ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे आला जो है, जो मास्टरपीस है वो इंसान है खुदा का, और खुदा की क्रिएशन का मास्टरपीस सिर्फ और सिर्फ इंसान है दोस्तों। इसको कोई नहीं हरा सकता और कोई इसकी जगह नहीं ले सकता, चाहे साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरह के रोबोट क्या जिस मर्जी टाइप के रोबोट्स बना लें आगे फ्यूचर में, कभी भी रोबोट्स इंसान की जगह नहीं ले पाएंगे। और जो लोग इन टेक्नोलॉजी को और ये जो साइंस वगैरह है इसको बहुत प्रेज करते हैं कि जी मैं तो साइंस पे बिलीव करता हूँ, मैं सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं करता, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, तो भाई ये तुम्हारे लिए कि देख लो, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों ही के खिलाफ इस वक्त काम कर रही है। फिर चाहे वो RFID हो, चाहे वो रोबोट्स हो, चाहे कुछ भी हो, तमाम टेक्नोलॉजी इस वक्त इंसान को गुलाम बनाने के लिए पूरे जोर में काम कर रही है दोस्तों। तो बेशक ये इबलीस के पुजारी जितना मर्जी कोशिश कर लें, ये कभी भी खुदा की तरह की क्रिएशन नहीं कर पाएंगे।
और अगर ये रोबोट्स को इतना रियलिस्टिक जो इंसान टाइप बना भी दें तो भी इनकी अपनी क्रिएशन, जैसे लूसिफर जो है वो खुदा के खिलाफ हो गया था, इसी तरह रोबोट्स जो हैं वो इंसान को के खिलाफ हो जाएंगे, अपने बनाने वाले के ही खिलाफ हो जाएंगे, जो कि हर रोबोट वाली मूवी में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो थी आज की खबर जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस वीडियो में आलमा उया वॉचर्स ये कहना चाहते हैं कि जो रोबोट्स की जो तरक्की है उसे मुखा फिर मसीही की कहा जाता है, और उसके कुछ न कुछ बाइबल के साथ संगम करना चाहते हैं। और उसने डैनियल किताब की चैप्टर नंबर 2 में ये लिखा बताया है कि 31 योर मैजिस्ट्री लुक एंड देयर बिफोर यू स्टूड लार्ज स्टैचर्स एंड एनॉर्मस डेजलिंग स्टैचू ऑसम इन अपीयरेंस। The head of statue was made of gold, pure gold. The chest and arm of silver, its belly and the thighs of bronze, and its leg of iron. It filled partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, a rock was cut out, but not by human hands. It stuck the statue on its feet of iron and clay, snatches them. Then the iron, the clay, bronze, silver, and the gold were broken piece and became like a club chops on the threshing floor on the summer. The wind swept them away without leaving a trace, but the rocks that struck on statue became a huge mountain and fill the whole earth. यानी कि एक बड़े स्टैचू वहां पे है, दानियल ने कहा था, इसके एक सर सोने की है, बाजू और सीना चांदी की है, और बेली पीतल की है, और पैर लोहे की है, और उनके नीचे जो फुट है वो मिट्टी और लोहे से बनी गई है। अब वी आर वॉचर्स खो तो इनके जरिए ये कहना चाहते हैं कि आज रोबोट की जो दौरान है उसी बारे में बात कर रहे हैं या बाइबल। चलिए देखते हैं बाइबल की उस चैप्टर के सच खोला रहस्य क्या है। चलिए हम इसका भेद खोलते हैं। जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ होली बाइबल की दानियल किताब के चैप्टर नंबर 2 में ये कहा गया है, दूसरी वर्ष में नेबूकदनेस्सर एक ख्वाब देखा था, उसमें इतनी परेशानी थी और जलनी पड़ी है
कि सो नहीं पाए। तो राजा ने सब मैजिशियन सोकर्स एंड एस्ट्रोलॉजर को बुलाया है और उसे पता ये पूछा गया ताकि ये जान सके कि उनका ड्रीम क्या है। तो यहाँ पे तो इसलिए राजा ने उनको बताया कि मैंने एक सपना देखा जो मुझे परेशान करना चाहते हैं, बताओ और मैं जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजर उसके बाद ये कहते हैं कि हमारा राजा हमेशा अमर रहे, अपनी प्रजा को अपना सब ख्वाब के बारे में बताइए और हम उससे की मतलब बताते हैं। तो राजा ने ये कहा था, एस्ट्रोलॉजर को कहा था कि यही तो हमारा डिसाइड है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि मेरा ख्वाब क्या था और उसका मतलब क्या था, मैं तुम्हारे जिस्म को टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारे घर को तबाह कर दूंगा। लेकिन अगर तुमने ये बता दिया कि मेरा सपना क्या है, ख्वाब क्या है और उसका मत तफसील बताया, तो मैं तुम्हें तुम मेरी तरफ से कुछ इनाम और सम्मान और कुछ गिफ्ट ले सकोगे। तो बताओ मेरा सपना क्या है। तो उन्होंने फिर से कहा कि आप अपने प्रजा को अपना सपना बताएं। राजा ने जवाब दिया, मैं निश्चित हो गया हूँ कि तुम ज्यादा वक्त लेने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि ये तो ये मेरी फैमिली डिसाइडेड है और तुम मुझे अगर सपना नहीं पता है तो ये तुम्हारी पेनाली है, ये तुम हमें भगाने की कोशिश कर रहे हो क्यों, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो और इस हालत में मुझे और परेशान कर रहे हो। तो बताओ मेरा सपना क्या है, मैं ख्वाब क्या है और मैं अपना ख्वाब जानना चाहता हूँ। दस तो उस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया, इस जहान में ऐसा कोई नहीं है जो राजा के कहने पर राजा के अलावा कुछ कर सके। तो राजा आप महान हैं, आप हम जैसे मैजिशियन इंटरटर एस्ट्रोलॉजर को बता को पूछा था, लेकिन जो राजा के लिए मुश्किल है वो किसी को नहीं पाता भगवान के अलावा। सो ये इंसानों की बस की बात नहीं है। और एक मिनट, तो राजा बहुत गुस्सा हो गए हैं और
इतना गुस्सा है कि बेबीलोन के सारे अज्ञानी लोगों को मारने का सोच रहे हैं। तो इसके उसी के दौरान कुछ प्रजा ने डैनियल को के पास आया है और उसे डेथ पाने मिशमेंट की हुकुम दिया है। तो किंग के किंग्स गार्ड का जो कमांडर है एरोज और वो उन्होंने जब उसका सर कलम करने की वो उसके जरिए सर कलम करने की बात आई है तो डैनियल को सब बताया। तो डैनियल कहते हैं कि अब मैं उसे उसका सपना बताता हूँ, प्लीज आप उसे कह दीजिए कि ज्ञानी लोगों को मार ना डाले। तो ऐसे ही हुआ, डैनियल अपने घर गया है और हानियत मिशेल और अजारिया से बात की है। तो वो खुदा ने तो एक मिनट क्या हुआ एक तो सर की खुदा के से कुछ पूछ लिया और कुछ बातें की भी की हैं और राजा के बारे में राजा के पास है और मिस्टर और ही बताने। तो डैनियल जब आरोज के पास गया और कह रही हाँ तो जब डैनियल आरोज के पास पाया तो उसके बेबीलोन के लिए पूछा था। तो आरोज डैनियल को राजा के पास लेकर आया और क्या कि मैं मुझे एक आदमी मिला जुदाओं की काबिले से जो राजा के सपना बताता देखे। तो डैनियल जिसको बेल हजार कहा भी कहा जाता है उसको राजा ने पूछा कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे ख्वाब क्या है और उसका मतलब क्या है। डैनियल ने बताया कोई भी ज्ञानी इंसान, कोई भी जादूगर और कोई भी तालीम रखने वाला राजा के ख्वाब के गुप्त ख्वाब के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन खुदा आने के पास ही उसकी ज्ञान है और वो भी वो इस मिस्ट्री को रिवील करता है। तो राजा नबूचंदेजर को दिखाया कि को क्या दिन आने वाला है। उसका दिन भीषण जो उस दिन के लिए उस ख्वाब के बारे में बात करने के दौरान ये बनाया कि राजा आपके पास इस जहान की है और आपके पास कुछ बातें छुपाने की ताकत रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बड़े से चमत्कारी स्टैचू लगे हुए हैं, इनमें सर सोने की है, सीने और बाजू वो पीतल चांदी की है, पेट और कमर लोहे की है और पैर पेट और कमर पीतल की है और पैर जो है वो लोहे की है और नीचे से कुछ मिट्टी बने रहती है। और
एक पत्थर आकर उसको बार करते हैं और उस मूर्तियां गिर जाती है। तो इसका मतलब बताते हैं तो उसका जो उस मूर्ति का जो सर है वो आप हैं, पहली राजा। दूसरी राजा जो है आपकी तरह नहीं है लेकिन काफी अच्छा है। तीसरी राजा राज्य जो आगे है वो पूरी दुनिया को कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं है? और चौथे राजा जो है वो लोहे की तरह मजबूत है और लोहे की तरह सबको तबाह कर देगा। पांचवी की जो है बात है, पांच है पैरों की जो फुट है एंकल है उसमें कुछ लोहे और मिट्टी के में हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि उस वक्त उस पांचवें राज्य पर हम दो तरह के हो जाएंगे। एक तरफ वो है जो लोहे की बनी है, दूसरी तरह जो वो है जो मिट्टी के बनी है। तो मकसूद याकूब और अलमस जैकब ये तो सारी बातें क्लियर कर दी गई है। मकसूद अपनी डैनियल की उस आया को अपनी तरफ बढ़वाना देते हैं कि वो देखो लोहे की तरह राज्य जो देखो लोहे की तरह इंसान जो है वो लोहे जैसे हो जाएंगे, ये दानियल ने खुद कहा था। पर मैं सच बात कहूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। दान है, अगर ऐसा होता तो नजुबक्चर बाजार जैसे जमाने के लोग होने तो सोने की तरह होते होंगे है, सोने की बनावट होने होंगे। और उसके बाद जो दूसरे राज्य आए हैं वो उसका इंसान पीतल की तरह बनावट पीतल की होगी है ना। जब ये बात नहीं है तो क्यों उसे हमारे लिए जो काम चल रहा अच्छा, तो क्यों तुम ये बात पता कर लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो कि लोहे का जो बना है वो उसका मतलब है रोबोट का। जबकि ये भी तो हो सकता है पैर लोहे की है, इसका मतलब उस राज्य की तरह है कि दर्शाते हैं जो लोहे की तरह मजबूत है और लोहे की तरह सबको काट देता है। तो इसका मतलब ये है जो डिक्टेटर और की जमाने उस वक्त डिक्टेटर के जमाने का तो होगा हाँ। और पांचवें राज्य जो दो तरफ होंगे, एक लोहे की और एक मिट्टी की, उसका मतलब है मिट्टी को वाले उस को दर्शाते हैं जो इस वो हमारे हमको सेवा करते हैं, जब हमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके दुनिया अपनी दिमाग और आपकी अपनी दिल के यकीन रखते हैं और
जो लोहे जैसे हैं, वो तो अपने लोहे के कुछ भी हथियार जैसे कि बंदूक के तलवारें AK-47 टाबोटार 21 पे ही अपना दिन गुजारा कर लेता है और उसी के लिए हम सबको वो उसी के बल पे हमको राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बता दी है कि रोबोट की तरक्की और बाइबल की इस आयत के बीच का कोई कनेक्शन नहीं है, है। दूसरी बात जो उस वीडियो के पहले ही उस टाइमिंग में दिखाई गई थी उस बात ये है कि रोबोट की जो तरक्की है वो मुखालफ मसीह के दौरान में आएंगे। मैंने भी रेवल्यूशन मैंने भी कलाम मुकद्दस यानी कि होली बाइबल की रेवल्यूशन बुक चैप्टर 13 को पढ़ी है और इसमें ऐसे बात कहीं नहीं लिखा गया है कि दूता मुखालफ मसीह की दौर में दो तरह के लोग छकरे करने लगेंगे, लेकिन उस वीडियो ने तो खुद ही बात कही थी। तो इसका मतलब जो निकलता है कि ये खुद उस पर यकीन नहीं कर रहे हैं और उसके जिसके चलते ही हमारा राजा खत्म हो जाएगा। मैंने अभी वीडियो बनाई है लेकिन शायद अभी अपलोड ना कर पाऊँ। अगर अभी कर सकूँ तो मैं बांग्लादेशी वक्त में दोपहर 3 या 4 बजे को करूँगी कर पाऊँगी या फिर कल ही अपलोड कर दूँगी। तो आप अगर चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, उसे बहुत खुशी मिलती है। चलती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।